नहीं डॉक्टर लक्ष्मी, देखिए इशू ये है कि मैं यहाँ पे एक वार्ड में हूँ और यहाँ नंदलाल का पूरा है वार्ड आपका, यहाँ पे मैं हूँ। अब यहाँ पे इशू ये हुआ है कि जितने भी लोग यहाँ पे डेंगू से ग्रसित हुए और ये पहुँचे हॉस्पिटल में, सबको रेफर कर दिया गया है टू दी हाईएस्ट सेंटर। किसी का भी पेपर नहीं बना है, किसी के भी हाथ में रेफरल का पेपर नहीं है। अब आप ये बताइए, रीचिंग टू एनी हॉस्पिटल और एनी प्लेस, वेदर इट इज पीएससी और सीएससी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पेपर बनना चाहिए। इनका कोई भी पेपर, कोई रिकॉर्ड इनका नहीं बना है, इनको वर्बली रेफर कर दिया गया है। कुछ लोगों ने प्राइवेट अपना बेचारों ने किसी तरीके से, और इतने गरीब लोग हैं, घर पे ट्रिप चलवा रहा है व्यक्ति यहाँ पे घर के अंदर, और यहाँ एक 5 साल का बच्चा मर गया, एक औरत मर गई, अभी तक कोई भी आपके विभाग का यहाँ इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया। मेरे सामने 6-7 लोग बैठे हैं और सभी को अभी राइट नाउ दे आर हैविंग फीवर। मतलब बेसिक पेपर नहीं। मेरा कहना है डॉक्टर लक्ष्मी की, अगर इनका पेपर नहीं बना है, ये सब गए थे, तो या तो यहाँ के फिर डॉक्टर सस्पेंड होंगे, क्योंकि ये चीज तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि पेशेंट वहां गया और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में पेपर क्यों नहीं बना। क्या उनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि उन्हें हाईएस्ट सेंटर में रेफर किया गया है? इसको आप इमीडिएटली देखिए। और अभी तक मैं जानना चाहती हूँ कि मछली शहर सीएससी पे हाउ मेनी पेशेंट्स ऑफ डेंगू दे हैव कम एंड दे हैव बीन ट्रीटेड और उनके पेपर्स बने हैं। आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। और अभी मेरी आपके यहाँ के मेडिकल ऑफिसर से बात हुई है, टेल हिम टू इमीडिएटली रीच हियर, आई एम वेटिंग फॉर आवर 15 मिनट्स। आप लोग घबराइए नहीं, हमें पता नहीं था, नहीं तो अभी हमें लोगों को ठीक करेंगे। क्योंकि कैसे हिम्मत हो गई, बिना कागज बनाए रेफर कर रहे हैं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ जब सब सरकार दे रही है यहाँ पे, जब है हमारे पास, फिर कैसे बाहर से आप लोगों से इलाज करवा रहे हैं? वहाँ जो व्यवस्था हो पहले करें, वहाँ से मैं ठीक हो तो वहाँ से अगर रेफर करेंगे तो एम्बुलेंस दे, जिसका प्लेटलेट जीरो है उस मरीज को ऐसे ही रेफर नहीं किया जाएगा। आप यहाँ से एम्बुलेंस की सुविधा दें, यहाँ से रेफरल वहाँ पे फोन करें, फला पेशेंट है हम यहाँ से भेज रहे हैं, उसका प्लेटलेट इतना है, वहाँ पे उपचार करें, कि वहाँ पे भी देरी ना हो, कोऑर्डिनेशन हो, तुरंत वार्ड में शिफ्ट हो। विधायक भी हैं यहाँ के और डॉक्टर भी हैं। अगर ये नहीं करते हैं आप हमें बताइए। बाकी अभी आ रहे हैं, हम उनसे मेडिकल ऑफिसर से बात करते हैं कि कागज क्यों नहीं बनता है। नहीं होता है, कैसे कैसे नहीं होगा? सर मशीन है यहाँ पे, किसी दिन में बातें नहीं होते हम लोग बताएंगे, बस सीधे में बात नहीं करेंगे, चेहरा मतलब देखेंगे नहीं, नहीं। बोलवा नहीं करेंगे, कुछ नहीं है, वो नहीं है। चले जाइए यहाँ से, कुर्सी लगा लेते हैं। ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक भी आए तो सीएससी में उसकी जान बचाई जा सकती है, डेंगू नहीं बचा पा रहा। क्या कर रहे हैं हम यहाँ ऊपर स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि सारी मशीनें आए, सब कुछ आए, और यहाँ पे भाई सरकारी हम सरकारी अफसर थोड़ी बदल देंगे, वो तो जिसकी जहाँ नौकरी रहेगी, जो डिग्री लेके आया वही रहेगा, तो काम तो इन्हें करना है। अब ये काम नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? बाहर बाहर से जांच करा के दे, इतना से कभी सब 800 रुपए ले रहे हो उसकी जांच में, 900 रुपए अगर काम ना हो ये सब व्यवस्था अगर सरकारी मिले तो आदमी गरीब आदमी सब पैसा फालतू ना फूंके। ये किसका है? 60,000 है ये वैल्यू, कल की रिपोर्ट है, कब की है ये? 12 हिमांशु मोहन है देखा मैडम।
दवाई कराई है, कब हुआ है इसका टेस्ट? ये आप तीन चार को कराए, 9 तारीख को हुआ है। बुखार छोड़ता ही नहीं, आईने बुखार हो गया था, दवाई किया है आराम बाट है, अब फिर पैसा व्यवस्था करी तब ना मैडम से बता रही। किसकी किसकी बाहर से जांची हुई है दिखाई मैडम, तो बाहर की जांच कराई थी आराम से डॉक्टर बच्चा बच्चा का हमारे पास प्लेटलेट की जाँच नहीं, सीबीसी होता है कि नहीं होता है? होता है, अभी खत्म। कैसे खत्म हो गया? नहीं मेन डेंगू के समय डेंगू का टेस्ट हो रहा है, जब प्लेटलेट नहीं पता चलेगा तो जान कैसे बचाएंगे? कब से नहीं है ये? आपने इन्फॉर्म किया था सीएमओ को तो क्या बोला उन्होंने? कब से नहीं है? एक महीने से नहीं है तो बोल रहे हैं एक महीने से इतने सारे पेशेंट अभी राइट नाउ प्लेटलेट काउंट बिल्कुल लो है, 60,000 एक बच्चे का है, ये महिला 90,000 पे है अलग अलग, और ये सब सीएससी में गए थे, किसी का भी पेपर नहीं बना, पेपर क्यों नहीं बनाया इनका? सब पर्चा तो बनना चाहिए, लोगों को वर्बली मुंह से रेफर कर दिया गया हायर सेंटर में, कोई पेपर नहीं बना। आप देखिए सीएससी में सरकारी हॉस्पिटल आई थी, सरकारी थे लेकर के गए थे, क्या बोला वहाँ पे उन्होंने? बोलने वाली अभी दवा खत्म है, चल जाइए अनुवादी यहाँ पर नहीं है, लेके जाना पड़ा, प्राइवेट पे लेके जाना, प्राइवेट में 36,000 के वहाँ पे बोल रहे थे अभी खत्म है, तो सर विचार आदमी सुन ले हैं कि ना इलाज का एक कोई नहीं नहीं, अगर कम होगा तो रिफर किया सकता है, गलत बात है कि दवा खत्म है। कैसे पता आपको कि प्लेटलेट कम है कि ज्यादा है? वो तो टेस्ट करा के गया, दवा खत्म है ये बोलना नहीं, किस बेसिस पे रेफर कर रहे हैं आप डेंगू के पेशेंट जब आप उनका रिपोर्ट ही नहीं करा रहे हो, आपको प्लेटलेट नहीं पता है, हाउ आर यू रेफरिंग टू पेशेंट? तो क्या मजबूरी है कि बाहर से कराना पड़ेगा? सबसे नियरेस्ट सी एस सी, एक 5 साल का बच्चा मर गया, एक महिला मर गई, हम तो क्या कर सकते? नहीं लिखा है हमारे बच्चे, हमारे पैसे का अभाव मर गया, बच्चा इलाज नहीं करवा पा रहे, 700 की टेस्ट हुई है, कोई 1500 का शोषण कर रहे हैं लोगों का, कहाँ से टेस्ट कर रहे हैं? दो तीन बच्चे हैं वहाँ पे लेटे हैं, छिड़काव कब हुआ था इधर? पानी चढ़ रहा है, एक बात छिड़काव कब हुआ था इधर? वहाँ पे अधिकारियों को मैंने एक चीज क्लियर कर दी थी कि छिड़काव जो है प्रॉपरली हो जाना चाहिए, बारिश जैसे दो चार दिन से काम ये हो रहा है, जब से कटिंग कर रहा है छिड़काव वगैरह कौन कर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? कौन है अभी वीडियो, कौन है यहाँ पे? सचिन भारती यहाँ वीडियो है अभी राइट नाउ यही है, उनको फोन करके पूछिए कि छिड़काव यहाँ हुआ था कि नहीं। अब आज कल की बात नहीं हो रही, बारिश को 3 महीने हो गए, 3 महीने से डेंगू स्टार्ट हुआ है, इसमें आ रहे हैं, हमने
से ये नहीं हो पा रहा है। अरे मैं पंद्रह दिन से एजेंट खत्म नहीं आया डॉक्टर लक्ष्मी। 15 दिन से यहाँ एजेंट खत्म है, पीएससी टैग का मतलब यहाँ पे पीएससी में आपका वो नहीं हो पा रहा है, पीडीसी नहीं हो पा रहा है, यू आर ऑल्सो एट होम, देन यहाँ पे क्यों नहीं एजेंट नहीं पहुँचा इमीडिएटली, कैसे कॉल कर रही हूँ? नहीं, अब देखिए आप 15 दिन बाद जब ऑलरेडी मर गए लोग, अब इतने दिन बाद व्हेन सो मेनी मिसहैप्स हैव ऑलरेडी हैपेंड, जब ये डेंगू का पीक है तो हमारे पास रिजर्व में सारी चीजें रहनी चाहिए, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं पहुंचना चाहिए कि हमारे पास 15 दिन से नहीं है रिएजेंट। नहीं, जितने भी यहाँ मरीज है जिनको जिनको बुखार है सीएससी जाएंगे आप लोग, सीएससी जाकर के प्रॉपर अपना पेपर बनवाएंगे, इनके फीवर का जो है टेम्परेचर मापिए, क्या क्या मेन एनीमिक है नहीं है, इनका सीबीसी होना चाहिए, रिएजेंट आज ही अरेंज होना चाहिए, और आज अगर आपको लेट भी रुकना पड़े डॉक्टर्स को आप रुकिए, यहाँ के जो स्पेसिफिक मरीज हैं उनके सबके सैंपल जाने चाहिए, प्लेटलेट काउंट हमारे पास मेंशन होना चाहिए, जिसका आपका 60 या उससे लो है, बच्चा है, आपको लग रहा है हार्ट रेट पल्स रेट कम है, उसको अगर आप हाईएस्ट सेंटर रेफर कर रहे हैं वहाँ पे कॉल करके कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और यहाँ से एम्बुलेंस में प्रॉपर पेशेंट होना चाहिए, और वहाँ भेज रहे हैं तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये मरीज है इनका प्लेटलेट काउंट इतना है, हम वहाँ रेफर कर रहे हैं, वहाँ जाके मरीज भटकेगा नहीं, डायरेक्टली दे शुड गेट एडमिटेड इन दी वार्ड, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। और आज जिनको जिनको बुखार था, जो जो लोग पानी चढ़वाए हैं, जो किए हैं, एक बार वापस से अपना ब्लड सैंपल करा लें ताकि आपका प्लेटलेट पता चल जाए कि कितना है, ठीक है, अगर 1 लाख से ऊपर हो गया घबराने की बात नहीं है, वहाँ पे ORS अवेलेबल है, सारे मरीजों को ORS वहाँ से दीजिए, पैरासीटामोल दीजिए, जिनको जिनको फीवर है उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके दीजिए उनको, और विटामिन सी अवेलेबल है हमारे पास, विटामिन सी दीजिए उनको, ठीक है, और सबके पेपर्स होने चाहिए, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन का पेपर होना चाहिए, और जो बुजुर्ग मरीज जाते हैं उनका एक ECG भी उनके हाथ में होना चाहिए, और रिएजेंट अगर नहीं आता है हमें इन्फॉर्म करें, रिएजेंट आज ही आना चाहिए, 15 दिन से कैसे रिएजेंट नहीं है वो भी ऐसी।